हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज ये आई ड्रॉ करेंगे सॉफ्ट पेस्टल से। स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे सॉफ्ट पेस्टल से एक रियलिस्टिक आई कैसे किया जाता है। ये मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है मेरे इस चैनल में। आप लोगों के बहुत सारा कमेंट्स आ रहे थे, सर आप ट्यूटोरियल वीडियो बनाइए। अब से मैं कोशिश करूँगा कि एवरी वीक एक या दो ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करने की। कुछ कुछ ड्राइंग का मैं रियल टाइम वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए मैं सॉफ्ट पेस्टल स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करता हूँ। तो चलिए इस वाले वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। मैं लाइन ड्राइंग के लिए यूज़ करता हूँ आर्ट लाइन का पेंसिल। मैं यहाँ पर 10B का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो HB या 2B का यूज़ कर सकते हो, वो थोड़ा लाइट होता है तो उसमें अच्छा होगा, ज़्यादा बिगिनर्स के लिए वो अच्छा रहता है। 10B पेंसिल में थोड़ा डार्क आ जाता है, मैं तो लाइटली यूज़ करता हूँ तो मेरे को तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप लोग चाहे तो HP या 2B का यूज़ कर सकते हो लाइन ड्राइंग के लिए। सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करने से पहले आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये कलर यूज़ कैसे किया जाता है। ये कलर पहले डार्क फिर लाइट की तरफ जाता है। पहले आपको लोगों को डार्क मीडियम टोन फिर लाइट की तरफ जाएगा। जो रेफरेंस फोटोग्राफ है उसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा पहले कहाँ कहाँ डार्क टोन है, कहाँ कहाँ मीडियम टोन है, कहाँ कहाँ लाइट टोन है, उसके हिसाब से कलर लगाना पड़ेगा। पहले हम लोग मैं तो यहाँ पर थोड़ा मीडियम टोन पहले दे रहा हूँ, डार्क टोन भी आप लोग दे सकते हो। मतलब डार्क टोन से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें थोड़ा मीडियम टोन देने के बाद मैं डार्क टोन स्टार्ट करूँगा अभी। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्रंसेना और ऑरेंज और स्किन टोन है जो पीच कलर है वो, और डार्क ब्राउन और ब्लैक। ब्लैक के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर स्टेडलर पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ, और जो आई का आई बॉल है जो भीतर का जो पूरा काला जो डार्क जगह है वहाँ पर मैं यूज़ करूँगा चारकोल बार। एक कलर
के साथ और दूसरे कलर मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पर मैं उंगली का इस्तेमाल करता हूँ। उंगली से मैं रब कर देता हूँ तो जैसे लाइट टोन हो गया, जैसे डार्क टोन हो गया, तो दोनों के बीच में मैं उंगली से अगर रब कर दूँ तो उसमें एक मीडियम टोन आ जाता है। तो ऐसे ही मैं मीडियम टोन को भी निकाल लेता हूँ यहाँ से। सॉफ्ट पेस्टल यूज़ करने का मज़ा इसमें है कि आप इसको उंगली से घिस के एक अलग ही टोन का क्रिएट कर सकते हो, तो इसमें बहुत इजीली हो जाता है। जैसे हम लोग है ना, और लाइट कलर पीच कलर डाल दिया, फिर उसमें हम ऑरेंज कलर डाल के फिर अलग ही एक टोन का क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे उंगली से रब करके यूज़ कर रहे हैं। आँख के अंदर जो हल्का सा टीयर्स दिखाई दे रहा है उसको करने के लिए सॉफ्ट पेस्टल का ही वाइट का यूज़ किया है मैंने। आप लोग थोड़ा उसको साइड से शार्प भी कर सकते हो, थोड़ा पॉइंटेड हो जाएगा तो यूज़ करने में आपको अच्छा होगा, सुविधा होगा। यहाँ पर मैं आईब्रो और आईलैश को करने के लिए स्टेडलर का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। स्टेडलर डबल ही यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा पॉइंटेड भी होता है और उसमें करने में मज़ा भी आता है उसमें, और अच्छा भी लगता है वो।
आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस जल्द ही नए वीडियो में। डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।